डांस के सबसे बड़े मंच पर लेकर हमारे टॉप 5 डांसिंग स्टार्स के धमाके। वेलकम टू मारुति सुजुकी डांस इन डांस सीजन 4 पावर्ड बाय quicker.com। और अब स्वागत करते हैं उनका, जिनको हम सब स्पेशली मैंने पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा मिस किया। प्लीज जोरदार तालों से स्वागत करें हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन दा का। जोरदार ताला हो जाया। सच्ची में ग्रैंड मास्टर, हमने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया, मतलब यू नो जान जलती है जब आप नहीं होते यहाँ पर। मेरे को इतना रोना आ रहा था, पता है, एक बुजुर्ग का साया हट गया होगा ऐसा लग रहा था हमें। ये चाची हमको बहुत फटका रही थी कि कुछ ऐसे अलग अलग कुछ करो, यू नो दादा की खिंचाई करो। हमने ना बोल दिया इन चाची को। झूठे झूठे। मैं ही कह रही थी दादा, आप जब नहीं थे अभी ये मतलब अभी इसको डर लग रहा है इसलिए ऐसे बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों डरूंगा, मतलब दादा ने इतनी की है, मैं क्या बताऊं। अरे यार मैं सच्ची कह रहा हूँ, मतलब दादा नहीं तो मैं बड़ा विधवा टाइप का फील कर रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा साथी चला गया होगा। मैं सच बोलता हूँ, मैं आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, लेकिन आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आपको इतनी जल्दी विधवा नहीं होने दूंगा। मैं तो यहाँ बरकरार रहूंगा। लेकिन क्या बात है दादा, लेकिन ये पहली बार मैं यमराज को कंफ्यूज देखा, पहली बार। अच्छा, यमराज जी को मैंने आपका मतलब आपकी सिफारिश की, उन्होंने कहा ये तो ऐसा जीव है किसी लोक में इसकी कोई जगह नहीं है, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सोच के बताऊंगा इसको किस लोक में भेजा जाए। तो आप बेफिक्र रहिएगा, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। ग्रैंड मास्टर, लेकिन इसकी गुंडागर्दी का मैंने इलाज कर लिया है। इसकी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए आज मैंने ऐसे गुंडे बुलाए हैं, ऐसे गुंडे बुलाए हैं जो इसकी घंटियां बजा देंगे। हाँ, सो प्लीज वेलकम विक्रम एंड बाला। रणवीर एंड अर्जुन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डांस के सबसे बड़े मंच पर। धन्यवाद। अब रियलाइज होता है कि स्टेज पर परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है। बट थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस योर दादा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेस। सो प्लीज टेक योर सीट सर एंड एंजॉय द शो। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ईशाना सा इश्क़ का। जश्न इश्क़ का।
है परफॉर्मेंसेस का सिलसिला और सबसे पहले हम बुलाएंगे जय 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 एक मिनट जब हमारे पास सुपरस्टार्स हैं तो क्यों ना ये सिलसिला आज ये शुरू करें मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे डांसिंग स्टार्स का ये करें yes, अरे क्या बात है दादा तो पहले कौन दादा फिर कौन इंट्रोड्यूस करेगा रणवीर भाई और बहनों अब आपके सामने आने वाला है आपके सामने कड़कने वाला है 440 वोल्ट का झटका जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिफाइंग डांसर एक्सप्रेशंस का राजा बॉलीवुड डांस का बादशाह प्लीज वेलकम श्याम ऑल द बेस्ट हम तीनों की तरफ से हार के रख देना बंटा है ऑल द बेस्ट थैंक यू सर Yo, boys, I am singing song. Magamasa. Soup song. Flop song. Oof. Why this color? Color. Super Mama, ready? It's time for some crazy moves. तो चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से श्याम अगेन अ वेरी गुड स्टार्ट बहुत ही अच्छा स्टार्ट था श्याम एंड आई रियली लव व्हाट यू डिड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल एक्ट वाज आई लव द मिक्स सीरियसली आपने जो भी मिक्स किया गाने को सुपरबली मिक्स्ड एंड वेरी वेल डिफाइंड आई लाइक योर ट्यून चेंजर मैं अपने पैर फोल्ड करके जो ट्यून चेंज का एक हाँ वो स्टेप किया आती है आई लव दैट उसके बाद आप नीचे आए और एक बी बॉय का आपने एक स्ट्राइकर पोज किया That was really nice. So, wish you all the very best and inshallah you're going to rock more. All the best. Thank you, sir. Thank you, Master Firoz. Master Shruti, what will you say about Shyam's performance? Shyam, what are you doing? You're very good. What did you say? Last time I understood. I mean, what did you do? The energy, Shyam, you come to the entire set, the entire atmosphere just gets up. आपने एक लिरिकल परफॉर्मेंस जो आपने मून के साथ किया दैट वाज वेरी नाइस दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग मास्टर मुदल सर एंड उसके बाद आपने वो जब टेक्नो पे आए ना वो मूड वाला जो टेक्नो किया ना आई लव इट ऑल द बेस्ट एंड श्याम यादव गॉड ब्लेस थैंक यू मैम पिछले हफ्ते जो आपको कमेंट्स मिले थे कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी कंट्रोल करो परफॉर्मेंस को कंट्रोल करो तो वो बहुत हम लोग डरे हुए थे कि इस बार कहीं आप वैसे ही हेवाई नहीं हो जाएं और आप फैल ना जाए
फैल ना जाए रायते की तरह. इस बार फैला नहीं है तो वो अच्छा लगा कि आपने कंट्रोल किया, क्योंकि एक परफॉर्मर की निशानी है जब भी वो परफॉर्म करता है तो यहाँ के साथ साथ यहाँ से भी करता है. एक होता है गणपति में के जो भाई इधर सही होता है वो, बट जब आप इधर परफॉर्म करते हो डीआईडी पे तो यहाँ की ज़रूरत है बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन. तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि एवरी एपिसोड आपने अपने थिरकने जो कहते हैं क्रेजी लेग्स उसको आपने बढ़ाया है और आपके पैर और स्विफ्ट हो गए, मस्के की तरह स्विफ्ट हो गए. तो मुझे लग रहा है कि ये जो थिरकना है इसको जारी रखें और जिस तरह बोलते ना थिरकते कदम लगा दो आग और उस सुनहरी तकदीर की टोपी की तरफ डाल दो बम. ऑल द बेस्ट. आपला डांस भारी आहे आणि मंडळी आपले आभारी आहे. थैंक यू सो मच मास्टर्स. अर्जुन रणवीर आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? सिखा दे यार. हमको भी सिखा दो. जरूर. आफ्टर सीइंग योर लेग्स आई कैन ओनली रिमेंबर रणवीर. वो भी ऐसे ही कभी भी कहीं भी कैसे भी घूम के फिरते जाते रहते हैं. हम रणवीर को बोलते थे ज्यादा फैल मत. बट आउटस्टैंडिंग यार. इट्स अ ट्रीट टू वॉच लाइव. हम शायद टीवी पे देखते हैं तो रियलाइज नहीं होता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. कंसिस्टेंटली आपने जो एनर्जी बरकरार रखी आई रियली एंजॉयड इट. सच में सिखा देना यार. 9 to 7 आ जाइए आप. 9 to 7 ये कौन सा टाइम है यार? 9 से 12 जाते लोग. सर ये सुबह के 9 से दूसरे सुबह के 7 है. ओ नहीं. हाँ फिर अच्छा. यार मिस्टर यादव मुझे भी ना यही नोट मिलता था वैभवी मैम से फर्स्ट ही फिल्म में कि यार तू थोड़ा फैल जाता है क्या बोलते हैं वेलकम पर फैल कम. हाँ. वो भी मेरे को समझाती थी यार यू आर परफॉर्मिंग फॉर द कैमरा तो कैमरा में को के लिए परफॉर्म करना इधर उधर पकड़ में ही नहीं आ रहा. रणवीर के बाल अलग परफॉर्मेंस देते हैं रणवीर अलग परफॉर्मेंस देते हैं. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. अगर आप तूने हमारी एंट्री देखेंगे मैं हूँ प्रियंका है रणवीर है और रणवीर के बाल भी हैं परफॉर्मेंस. विक्रम बाला और बाल. मुझे भी यही नोट मिलते रहता था फिर थोड़ा सीखने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कैसे कंट्रोल करना बट सुपर्ब एनर्जी और एकदम फाड़ दिया. आई एम प्राउड ऑफ यू माय विसर्जन स्टाइल ब्रदर. ग्रैंड मास्टर आप बताइए आपको कैसा लगा शाम का परफॉर्मेंस? सर डांस के बारे में सभी ने सब कुछ कह दिया लेकिन मैं कहूँगा दैट स्पॉटलाइट वन वॉज द बिगेस्ट हाईलाइट. पूरे परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त हाईलाइट. सब देखने के बाद सभी के सुनने के बाद बनता है भाई क्या बात क्या बात क्या बात. थैंक यू सो मच श्याम फॉर दिस रॉकिंग परफॉर्मेंस. ऑल द बेस्ट. प्लीज टेक अ सीट. जोरदार ताला हो जाए. दोनों गुंडे इधर हैं लेकिन आप दोनों की शोना कहाँ है? सर शोना तो तब आएगी जब टंग टंग घंटी बजेगी. आमरा मुंटा दिए जाओ टाड़ा टाड़ी एशी जाओ टंग 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 ए बजारे घंटी. पता चला घंटी क्यों बजी है. घंटी तो बजेगी भाई. लवली ए बाला क्या बात है तेरी भाभी. नहीं तेरी. अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना जरा वापस आ जाइए. एक सेकंड जरा फिल्म की भी बातें कर लेते हैं उसके बाद आराम से आप
यू नो शो भी एंजॉय कर सकेंगे. और ये मेरी है. हाँ डेफिनेटली. अरे क्या हो रहा है इस शो पर प्रियंका. दादा आपके सामने ऐसे कोई लड़की के साथ बिहेव कर सकता है? देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे लड़के मेरी तरफ देखो. ऐसा लगा बिरयानी खाया. अच्छा तूने किया ऐसा? नहीं मैं बोल रहा क्या बासी जोक मार. प्रियंका के लिए एक जोरदार तालियां. बहुत जोरदार. थैंक यू थैंक यू. दादा ऐसे ऐसे लड़के नहीं हम. मैडम हम प्यार करते हैं आपसे. क्या दोनों जी? ऐसा अच्छा है एक आशिक के साथ दूसरा मुफ्त. ओहो क्या बात है. ये सब कुछ तो हमने प्रोमोज में अभी अभी यू नो आजकल चल रहे हैं, बहुत चर्चे में चल रहे हैं. 14 फेब को रिलीज हो रही है, तो कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में. वेल गुंडे एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुंडे हैं. हम तीनों गुंडे हैं. दो दिल एक जान. दो दिल एक जान. दो दिल एक पसंद. तो जाहिर बात है अगर दो दिल एक जान है तो पसंद भी एक ही होगी. और जब प्रियंका चोपड़ा आती है हमारी जिंदगी में तो क्या चेओस होता है. उस बारे में है गुंडे. गुंडे फ्रॉम द स्टमक. गुंडे क्या बात है, क्या बात है. तो मैं भी आप तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं. एंड प्लीज एंजॉय द शो. जोरदार ताला हो जाए रणवीर अर्जुन एंड प्रियंका के लिए. All right then, तो अब आ रही है हमारे अगले डांसिंग स्टार के परफॉर्मेंस की. सो ग्रैंड मास्टर प्लीज हमें बताइए कि हमारे अगले डांसिंग स्टार को कौन इंट्रोड्यूस करेगा. रणवीर. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. वैसे तो आपके सामने बैठे हैं दो बैड बॉय, लेकिन आपके सामने अब परफॉर्म करने वाले हैं श्रुति मैडम के गुड बॉय, द प्रिंस ऑफ पॉपिंग, द बीट किंग. प्लीज वेलकम सुमित. हम तीनों की तरफ से ऑल बेस्ट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Bye.
Fantastic performance, Umed. Zordar taaliyan ho jaye ek baar. जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा? सबसे पहले पूछेंगे मास्टर मुद्दसर से। सुमित, you killed it, man. जो स्टार्टिंग की थोड़ी सी रिदम है, टिंग टिंग टिटिंग 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 टिंग टिंग टिटिंग, उसपे एक छोटा सा रिदम है जो बाद में बचता है, टिटिंग टिंग टिंग टिंग। वो बीट जो आपने पकड़ी है, मतलब इट वॉज सो क्लास के हर कोई पकड़ता नहीं। दैट्स वॉट पीपल कॉल्ड यू, बीट किंग। बीच में एक लाइट सेक्शन था जहाँ पे बहुत ही बहुत शार्प। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया वो डीआईडी की टोपी का, सुनहरी तकदीर की टोपी का जो आपने किया। इट वॉज द कम्प्लीट परफॉर्मेंस, बेटर देन द बेस्ट आई कैन से। थैंक यू सर। मैं आपकी जो लाइट की टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, मैं उनके लिए भी अप्रिशिएट करूंगा। सुपर वॉक मैन, ग्रेट जॉब, व्होएवर यू गाइस आर, फॉर दिस इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस आई कैन से। सॉरी श्याम, फॉर दिस इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस यू आर डेफिनेटली बूम फायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर मुद्दसर। आज मुझे एक डिफरेंट सुमित देखने मिला, मोर कॉन्फिडेंट, मोर काम इन योर परफॉर्मेंस। यू आर वेरी फोकस्ड बिकॉज आई नो आप ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुँच रहे हो, यू नो कुछ कदम दूर है। एंड इंशाल्लाह यू विल बी अ स्टार डेफिनेटली वन डे। एंड फॉर मी ऑल्सो इट इज अ फेरोशियस परफॉर्मेंस। ये जो सपोर्टिंग जो लाइट्स थे, द नंबर, दीज आर जिग्स, बट इन योर परफॉर्मेंस, एवरी परफॉर्मेंस जब आप करते हो, योर स्टेप्स, योर डांसिंग इज गोइंग हायर एंड हायर। Clean movements, correct expressions देते हो, your connect with the camera, that smile that you have, कितना करना है, very nicely you do it, Sumed. And I'm surely, and I pray to God, and I'm so sure that जितने भी audiences हैं, they will love you. And yes, as Master Mudassar said, you will. We all pray that you'll be a superstar. Inshallah. For me, this performance most definitely is a Jumbari Jiri Jiri Jazz Attack. थैंक यू सो मच मास्टर्स। प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन मैं देख रहा था कि आप काफी अच्छी तरह से एक्टिंग कर रही थी हमारी मास्टर श्रुति की, तो उन्हीं के अंदाज में कीजिए। आप काफी एंजॉय कर रही थी, सो हम और देखना चाहेंगे। श्रुति बेबी वैभवी है। हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह वो बात करती है, उसकी हर चीजों में आपने जो बेस्ट किया है, उसकी हर बात जो है, बड़ी बड़ी आंखें, इतना अच्छा करके वो फर्स्ट टाइम पैशनेटली, बेबी वेब। मैं श्रुति को काफी वक्त से जानती हूँ, एंड इट्स सो नाइस टू सी ऑल थ्री ऑफ यू हियर एज जजेस। सच्ची में मेरे लिए इट्स वेरी नाइस। बट सुमित, मैंने इन दोनों को कहा था, क्योंकि मैं डीआईडी पे पहले आ चुकी हूँ, मैंने दोनों को कहा था कि तुम लोग जब यहाँ आओगे और इन डांसर्स को देखोगे, तुम डांसिंग छोड़ दोगे, क्योंकि ऐसा तो हमसे हो नहीं सकता। और ये जो मोड़म मोड़ी है, रबड़ के जो तुम बने हुए हो, अनबिलीवेबल। एवरी लिटिल थिंग दैट यू हैव डन इस मंच पे, हर बीट को तुमने पकड़ा है, इतना परफेक्ट था। और स्पेशली उसके साथ एक्सप्रेशंस देना हर चीज़ पर, हर लव्स पर, क्योंकि एज एक्टर्स हमको वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आपका जितना भी मुश्किल डांस स्टेप हो, एक्सप्रेशन नहीं छोड़ सकते, और आपने वो नहीं छोड़ा था, विच वॉज ग्रेट। थैंक यू सो मच। क्या कहूँ, कुछ अर्जुन डांसिंग छोड़ रहे हैं। पकड़ी कब थी? आपने हर एक चीज जो हमको रियलाइज भी नहीं होती वो भी की। आई लव्ड योर फ्रॉम द फर्स्ट बीट ओनली आई वाज इन। Forget the technicality, that they know better, everybody will speak about it, but as a viewer I was sucked into your performance because aapne shuruaat itni interestingly aur achhi tarah ki, mujhe dekhne mein bahut maza aaya. Priyanka Chopra ko naachte waqt hum aise ho jaate, aur ab aapko dekhne ke baad hum aise ho, nahi aap tumko dekhne ke bolu, kya bola tha tumne, kya what, aise karke dekh raha tha Arjun, Arjun मुझे हाथ के साथ घूम के किया ना,
मैं बेरली दो अपने पैरों पे खड़े हो बताओ आपका हाथ सुबह एक बार वो स्टेप दिखाओ ना सिर्फ हाथ वाला एक बार वो दिखा दो वो एल्बो से जो हाँ ये 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 कुछ नहीं है हड्डी वाला बाबा के पास जाके ना मंडा है ये थोड़ा पहले से थोड़ा निकाल के आयला ऐसा है वो भी नहीं सकता भाई नहीं मैं सोच रहा हूँ ये देखने के बाद मैं विसर्जन में जाके थोड़ा धीना धींदा करता हूँ मेरे लिए वो ही अच्छा है रियली वन ऑफ द बेस्ट सोलो परफॉर्मेंसेज आई हैव एवर सीन कम ट्रूली इलेक्ट्रीफाइंग आउटस्टैंडिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर सुमेध तुम्हारे लिए क्या करूं मैं दो काम करूंगा एक तो आई विल स्टैंड फॉर यू और दूसरा आपको और तकलीफ नहीं दूंगा आपके लिए मैं वोट अपील करूंगा हमें वोट करने के लिए सुमेत को वोट करने के लिए फोन उठाइए टोल फ्री नंबर 1800833 6010 और 10 सुमेत का कोड है वोट करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच ग्रैंडमास्टर थैंक यू आई विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज टेक योर सीट जोरदार ताला हो जाए आज हमारे पास भी एक घंटी है जो अगर समझो हमारे डांसिंग स्टार्स ने अगर समझो उसे हासिल कर ली मतलब या फिर बजा दिया तो आपको बता दूं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो प्रियंका आपको देने वाली है मैं सरप्राइज बताऊं प्लीज बता दीजिए मैं जुर्रत करूंगी हाँ। जो भी इस घंटी को बजा ले कि मैं उसके लिए डांस करूंगी मैं उसके लिए अरे घंटी नीचे लाओ जल्दी लाओ चलो आ जाओ आप ट्राई कर लो तरह तो वाले हिला मत ना मैडम बजी क्या आंटी प्रियंका जो वादा है वो पूरा करना चाहेंगी आप जी जरूर वादा किया तो निभाना पड़ेगा आए आए हम सब जानते हैं कि यू नो हमारे बच्चे तो बहुत ही एकदम दिल से एकदम करते ही है लेकिन हमारे पास एक और बच्चे हैं मतलब यू नो दिल से जो मैं चाहता हूं कि अगर वो भी ट्राई करे तो फिर में मजा आ जाएगा मैं चाहता हूं कि ग्रैंड मास्टर भी अपना नसीब ट्राई कर ले हो सकता है कि कुछ देखा दादा एक सेकेंड ना दादा को इतना प्रवोक करने की जरूरत नहीं है उनको पता है जब वो आएंगे यहाँ पे घंटी अपने आप बज जाएगी अब क्या बोले यार जब तेरी इज्जत तो रखनी पड़ेगी आइए दादा चीटिंग है यार चीटिंग क्या है अरे इसके लिए थोड़ी छलांग मारना है दिमाग लगाना चाहिए प्रियंका आपके पास दो गुंडे हैं हमारे पास तो माँ गुंडा है नहीं नहीं मैं बोला था हमारे पास तो ग्रैंड मास्टर है वो बोल रहा था संभल के चलिए इस दिशा में आप बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए जरा अपनी तशरीफ वापस लगा दीजिए कोई काम के नहीं है आप दोनों प्रियंका जी आप जरा मंच पर आ जाएं
के लिए बनता है, बनता है, ग्रैंड सैल्यूट बनता है। Thank you so much, Priyanka. Thank you so much, Grandmaster. Thank you. मैं आपको बता दूं कि 22 फरवरी 2014 रात 8 बजे होगा डांस इन डांस सीजन 4 का फिनाले और इन पांच डांसिंग स्टार्स में से कोई एक जीतेगा सुनहरी तकदीर की टोपी। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। ग्रैंड मास्टर प्लीज बताइए कि अगले डांसिंग स्टार को कौन बुलाएगा। प्रियंका। थैंक यू ग्रैंड मास्टर। एक्चुअली मैं बहुत प्राउड हूँ इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्वराली सिर्फ एक अकेली लड़की जो टॉप 5 में है। अभी तक जिस तरह से उसने मैडनिंगली डांस किया है आज भी वो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देगी। सो दिस वन इज फॉर गर्ल पावर। मुंबई की डांसिंग मैनियक स्वराली। स्वराली माय डार्लिंग, हम तीनों की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिल। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए स्वराली के लिए। मास्टर से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा परफॉर्मेंस। सबसे पहले मास्टर फिरोज। स्वराली पार एक्सीलेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई लाइक द प्रॉप, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉप, पोल विद सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ अ यू नो फील टू इट। तो मुझे लग रहा था आई थिंक यू गोना यूज एवरीथिंग एंड यू डिड इट एक्चुअली। थैंक यू सर। पोल डांसिंग इज नॉट वेरी इजी, यू नो, टू होल्ड विद योर बेयर लेग ओबी अपसाइड डाउन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बेस्ट पार्ट आई लाइक जब आपने एक आर्च बनाया, यू नो, यू टुक योर लेग्स अप ऑन द पोल और आपने बार को पकड़ के देन यू जस्ट वेंट अप फुल रोटेशन। देन उसी के साथ में आपने ट्रांजिशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू केम डाउन विद योर लेग क्रॉस एंड यू डिड अ बैक बेंड, वेरी क्लीन एंड नीट। थैंक यू सर। एंड द डॉल्फिन ड्रॉप के बाद में द एंड पोज, fabulous. So thank you, sir. I love you, Swarali, and all the very best. Thank you, sir. Thank you, sir. Swarali, the dancing maniac of Dance India Dance Season 4 and the only female contestant. What better act than a cabaret, which involves मतलब बहुत एक नजाकत जो होती है, एक aesthetics जो होते हैं dance का। आपने interpret बहुत अच्छे से किया Master Mudassar, कि हम लोग ने देखा है lot of performances on the pole, it's beautiful, but
जो ये आपका एक लैडर सर्कुलर लैडर था स्वराली आपके पूरे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से आपने उसको यूज किया यू लाइक अ क्ले स्वराली ओके सो स्वराली आपका जो कोर स्ट्रेंथ है ना यहाँ पे हाँ दैट इज फैंटास्टिक थैंक यू सो आई रियली रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच मास्टर श्रुति मैडम आप जब हाथ हिला हिला के एक्सप्लेन करती है ना दिल में बजती है घंटी थैंक यू रणवीर और बाबा जब इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है ना बात करते करते तो क्या होता है फिर भी बजती है घंटी दादा ने हमारी घंटी बजा दी विदाउट सेइंग एनीथिंग बिल्कुल सोराली अमेजिंग परफॉर्मर अमेजिंग स्ट्रेंथ मास्टर श्रुति ने कहा अमेजिंग कोर स्ट्रेंथ अमेजिंग एक्सप्रेशन एंड गुड कंट्रोल आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट सिर्फ दुआएं बाकी हैं तो मुझे लगता है कि पूरा देश आपके लिए दुआ करेगा ऑल द बेस्ट रियली फॉर दिस स्ट्रेंथ आई कैन से यू आर डेफिनेटली बूम फायर थैंक यू सर थैंक यू सो मच मास्टर्स रणवीर आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा सुपर्ब कोई प्रॉप दी नहीं है लोड बड़ा स्ट्रॉन्ग है तेरा कोड कोड बाबा यू आर फॉरगेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट नाउ माय डियर स्वराली तूने हमारी घंटी बजा डाली थैंक यू रणवीर अर्जुन आप जब भी परफॉर्म करें ऐसे ही स्माइल करते रहना बस आई थिंक आई लव दैट पार्ट मोर देन एनीथिंग एल्स थैंक यू सर थैंक यू सो मच प्रियंका इस फिल्म में गुंडे में एक कैबरे डांस है जिसका नाम है अस्सलाम इश्कुम उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम एक पोल यूज करेंगे और मुझसे नहीं हुआ तो हमने नहीं किया तो मैं बस कहूँगी कि वाजी वाह इट टेक्स अ लॉट एंड वो जो उल्टा अब सिर्फ अपने लेग्स की स्ट्रेंथ की वजह से अपने क्वाड्स की स्ट्रेंथ की वजह से आपको जो पकड़ के रहना पड़ता है और वो बैलेंस इट्स रियली हार्ड सो फैंटास्टिक वेरी वेल डन थैंक यू सो मच ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि सबने सब कुछ कह दिया मेरी तरफ से क्या बात थैंक यू ग्रैंड मास्टर एक पोल से ज्यादा एक रणवीर की पोल खोले जो असलियत थी गाने को लेकर ओके सच में बता ओके सिर्फ डीआईडी के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव सनसनीखेज खुलासा बोलूं देखिए एक्चुअली अस्सलाम इश्कुम डिज़ाइन किया गया था एज रणवीर इंट्रोडक्शन इन गुंडे रणवीर कैबरे करने वाले थे जी बिल्कुल और हम दोनों थे गुंडे करेक्ट एंड वो एक ही बात से चूक गए बस रणवीर सिंह की उनकी मुच्छें थी अभी कैबरे डांसर की मुच्छें तो नहीं हो सकती ना वो उस छोटी सी वजह से वो चूंकि रिहर्सल्स भी किए थे इन्होंने कॉस्ट्यूम वगैरह तो बहुत अच्छे लगे थे कॉस्ट्यूम पहन के जो हम आज यहाँ नहीं दिखा सकते लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी रणवीर जो रिहर्सल तुमने किया था आज डीआईडी के इस मंच पे तुम दिखा सकते हो ग्रैंड मास्टर के लिए प्लीज थैंक यू जरा म्यूजिक गो ऑन Assalam-e-Ishq-um yara, Assalam-e-Ishq-um
Ranveer, we were missing you, yeah, Ranveer. Seriously missing. Na subtle kaam ho raha tha na pehle iske. Super. Sorry, tum batao. Ranveer is back. Correct tha na? Aap judge baniye aur boliye. Mujhe aapka performance bahut acha laga. Aur aapka performance dekh ke mere dil mein baj gayi ghanti. Madam, hum प्यार करते हैं आपसे दोनों जी अरे वाह एक आशिक पे दूसरा फ्रीक तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार All right then, तो अब बारी है हमारे अगले डांसिंग स्टार के परफॉर्मेंस की. So Grandmaster, please हमें बताइए कि हमारे अगले डांसिंग स्टार को कौन इंट्रोड्यूस करेगा? प्रियंका. Well, actually, मैं बहुत प्राउड हूँ इस इंट्रोडक्शन को करने के लिए क्योंकि मुझे सेल्फ मेड लोग बहुत पसंद हैं और मेरी खुद भी ऐसी स्टोरी है ना किसी से जान पहचान अपने आप आकर इस मुकाम तक आना और जो हमारे अगले डांसिंग स्टार हैं वो भी उन्होंने भी ऐसा कुछ किया है घर पे टीवी भी नहीं था तभी भी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं इस मंच तक और हमने हमारी फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में की थी और उनके वहाँ पर बहुत चर्चे चलते हैं सब उनके पोस्टर्स भी हमने वहाँ पर देखे तो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी प्रेजेंटिंग अ वेरी वेरी सेल्फ मेड स्टंट मैन बिकी Vicky, हम तीनों की तरफ से and from everyone, all the very best and God bless. Thank you, sir. All the best.
इस रॉकिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रियंका से ही, प्रियंका आप बताइए आपको इनका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्योंकि आप काफी शॉक नजर आ रही है इस परफॉर्मेंस के बाद। जी हाँ, मैं काफी शॉक्ड हूँ। मुझे ये बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट लगी, डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू, यू आर अनबिलीवेबल, वेरी गुड। एंड बिना अपने चेहरे को यूज करके आपने बॉडी से एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, आई फेल्ट द सॉन्ग। और बहुत लोग अपने चेहरे से भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपनी बॉडी से जिस तरह ग्रेस दिखाया है और रिस्ट्रेंट दिखाया है, जो इतना ज़रूरी होता है ऐसे डांस में, स्पेशली ब्रेक में, इट रियली टच्ड मी, विच इज़ व्हाई आई वुड से बेस्ट फॉर श्योर। थैंक यू मैम। रणवीर, मैं कुछ कह नहीं सकता, फॉर वंस आई एम जेन्युइनली स्पीचलेस, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। अर्जुन, जो प्रियंका ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ यार, डांसिंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। यू डिडंट हैव द लिबर्टी ऑफ शोइंग द इमोशंस, फेस से नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन हम महसूस कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द वे यू परफॉर्म्ड। एंड मतलब ट्रूली यार, हम बोलते रहते हैं और बकवास करते रहते हैं, लेकिन सच में बोलने को कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर स्टन्ड, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। ट्रू यूज ऑफ डांस, ट्रू यूज ऑफ डांस, सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू। मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से। बिकी दास, आई थिंक दिस वाज अ स्पेक्टैक्युलर एक्ट, आई थॉरली एंजॉयड इट। थैंक यू मैम, आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के बिकी दास क्रम्पिंग के लिए जाने जाते, लेकिन ही इज एक्चुअली अ पॉपर, एंड इनके जो हिट्स हैं दे आर वेरी लाउड। सो सी द थॉट कि ये एक्ट क्यों दिया बिकी को, कैसे किया, बिकॉज विथ सो मच फैब्रिक ऑन योर बॉडी, आपके बदन पे इतना फैब्रिक है तो भी आपके हिट्स दिखे। एंड बिकी दास द पॉपर इज बैक। फॉर मी दिस एक्ट मोस्ट डेफिनेटली इज अ जुम्बारी जेरी जेरी जैम परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू बिकी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आपका जो सोलो पोर्शन था उससे ज्यादा मुझे आपका वो डुओ पोर्शन अच्छा लगा। मतलब मैं चाह रहा था कि आपने मास्क अंदर रख दिया, मतलब इसने क्यों रखा है यार, मुझे और देखना है। मैं इसको बोला कि यार उसको फिर से निकालो, और फिर आपने उसको वापस निकाला। विकी दास, इतना अच्छी तरह से आपने उसको निभाया है, इतना स्मूथली निभाया है, ऐसा लग रहा था कि वो एनिमेटेड हमने प्रोजेक्शन किया है, जो कि असल में आपकी तरह ही एक मास्क बनाया है मास्टर फिरोज ने, बट वो लग रहा था कि एक प्रोजेक्शन किया हुआ है। सो इट वॉज लुकिंग दैट, बिकॉज दो हाथ हैं आपके तो वो कहाँ से आ रहे हैं, सो दैट वॉज वेरी डिफरेंट माशा फिरोज। थैंक यू। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि वो मास्क का एक्सप्रेशंस और आपका एक्सप्रेशंस इतना मैच किया है कि कौन सा रियल है वो मालूम नहीं पड़ रहा था। एक नेक मूवमेंट किया आप लोगों ने, दोनों ने, आप दोनों ने किया इनफैक्ट। वो मूवमेंट बहुत प्यारा था, इट वॉज सो क्लीन। मुझे लग रहा है बिकी इज बैक। थैंक यू सर, स्पेशली फॉर दैट मास्क पोर्शन, यू आर बूम फायर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये सारा क्रेडिट अपने पे नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रोडक्शन टीम, जो मुझे इजाजत दी ये फेस बनाने के लिए, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। जो भी टीम आई थी इसको बनाने के लिए, फेस को बिकी को हमने 20 मिनट तक यू नो पूरा केमिकल लगा के उनको बिठाया था, और इन ही हैड नो मूवमेंट, यू नो ही हैज़ टू जस्ट सिट। अगर वो स्माइल भी करते तो अलाउड नहीं था उनको, अगर कुछ करना हो तो थम्स अप और थम डाउन करके बताना था कि आप ठीक हो नहीं हो। सो ही डिड इट फॉर मी फॉर लाइक हाफ एन आवर, ही वाज देयर बैंडेज में बंधा हुआ वो फेस बनाने के लिए। सो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दिस बिकी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टू मी, एंड आई रियली लव यू, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। Your forge is really, really proud of you. So all the very best. Thank you, sir. For you, especially for this one, it was a ferocious performance. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Master Firoz. Grandmaster. Vicky, सभी ने आपकी तारीफ की है। यहाँ तीनों, वहाँ तीनों। आप मुझे बता सकते हो आपने ऐसा क्या किया जो सभी ने आपकी तारीफ की है? क्यों पूछ रहा हूं, जब तक आप नहीं समझोगे आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी।
बताओ मुझे सर, इस बार मैंने दिल से परफॉर्म किया। आपने दिल से परफॉर्मेंस किया, राइट? और जब कोई भी किसी चीज में अपना दिल दे दे, सब कुछ खत्म हो गया। थैंक यू सर। ये कला कुछ नहीं दिल मांगता है, दिल चाहता है। ये कैमरा सिर्फ दिल को पकड़ता है और कुछ नहीं पकड़ता। जिसने दे दिया उसने सब कुछ ले लिया। Thank you so much, Vicky. Thank you. All the best. Please take a seat. Jodha Tala ho jaa Vicky ke liye. आप लोगों को मालूम है कि यहाँ एक इनडायरेक्टली कुछ चल रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है? दादा नॉट अगेन, दादा नो। जी जी हाँ, आपने सही पकड़ा मैम। साइलेंटली इधर भी कुछ दिल दिल देने वाली बातें चल रही हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। दादा वो अपने टी शर्ट पे पीसी दिखा रहे हैं और आप उनको मतलब किसी ने यहाँ पे बोला पीसी का मतलब पर्पल कलर। क्या बात है? यस यस यस, गुड वन, गुड वन। ये इनडायरेक्टली यहाँ बहुत कुछ चल रहा है मैम, आपको समझना चाहिए। तो दिल मिल रहे हैं, बॉय स्टॉप इट, मगर चुपके चुपके सबको हो रही रिवर्ब के साथ खबर, चुपके चुपके। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो थैंक यू, चलो आगे चलो। तो ग्रैंड मास्टर आप हमें बताइए कि हमारे अगले डांसिंग स्टार को कौन बुलाएगा? रणवीर। ऑल राइट, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा द कूल डूड, लड़कियों के दिलों में मारा डैगर, दैट बॉय विथ द स्वैगर। प्लीज वेलकम मनन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मनन, हम तीनों की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक। Thank you, sir. Thank you. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंड ठंड ठंड, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या क्या क्या, क्या? तुझ में रब दिखता है सुन लो कहानी करना लेके लौटे की, खाए पिए सोए जागे सोचे बसते टीआईडी, बिना मौका मारा चौका अपनो लुकिंग बैक, सबको दिखाया अपना स्वैग, सच बोलू दिल खोलू जो भी मिला ज्यादा है, इसे डिस्को डीसे डांस जिसे अपने दादा है, छोटी मुझे सफ रोज गुरुओं ने माना है, लड़का दीवाना इसे फाइनल में जाना है। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया, या, 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 या। या।
गाना का असली नाम गोरंगा, सिनेमा के लेजेंड बाजी पूरे देश में डंका, तुमको कोई शंका दिल से निकाल देना, ऐसे वैसे थोड़ी ना है, नेशनल अवार्ड मिला हमें भी रिवॉर्ड मिला, क्या बात ग्रैंड सल्यूट मिले तो नींद आए दिन रात, मैं बोलूं सब बोले दादा को थैंक यू, तुझ में रब दिखता है दादा मैं क्या करूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। क्या बात है, मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदस्सर से, आपका परफॉर्मेंस से प्यार और आपका ग्रैंड मास्टर से प्यार वो पूरा दिख गया ये परफॉर्मेंस में, तो दोनों चीज़ें दिखी मुझे, बट थोड़ा सा टेक्निकलिटी, सारी चीज़ें अच्छी लगी, स्पेशली मुझे पहली बार आपका क्रम्पिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट वॉज अ सरप्राइज थिंग मनन, यू कैन डू क्रम्पिंग लाइक दिस ऑल्सो, सो उसके लिए बहुत कम देखने को मिलता है, सीरियसली दिल से दुआ है, आगे बढ़ो और इंशाल्लाह फिनाले तक पहुंचो, ऑल द बेस्ट मनन, थैंक यू सर। आई यू नो व्हाट आई लव अबाउट योर परफॉर्मेंस मनन, द वे यू गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, आई लव दैट द पोर्शन, आपने इतना दिल से हम सबको शुक्रिया अदा किया, ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया अदा किया इन फॉर्म ऑफ डांसिंग लिरिकल वे में, आई लव द थॉट मास्टर श्रुति, ब्यूटिफुली थॉट। व्हाट आई लव अबाउट योर डांसिंग वाज, आपने एक ब्रेक डांसिंग का मूवमेंट किया जो हमने सालों पहले मतलब करते थे एंड अभी सब लोग भूल गए हैं वो, ऑन द हाँ ड्यूरिंग डिस्को डांसर डेज जब दादा भी करते थे, ये मूव बहुत यूज होता था, एक बॉडी को बैलेंस करना और क्रैप के सर रोलर कोस्टर हॉप करना, यू नो विद वन हैंड बैलेंस, दैट इज रियली रियली नाइस मनन, थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग अस विद दैट स्टेप, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो एक फीलिंग था दादा के लिए वो अपने अपने डांस के द्वारा दर्शाया, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस एग्जीक्यूट दिस विथ योर टैलेंट, गॉड ब्लेस यू, एंड फॉर मी दिस परफॉर्मेंस मोस्ट डेफिनेटली इज अ झुम्बा रे जेरी जेरी जैज अटैक। थैंक यू रणवीर, आपका ये फेवरेट कंटेस्टेंट है, ये भी रैप करते हैं, आप भी काफी अच्छा रैप करते हैं, सो कुछ कहना चाहेंगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में, इनके रैप के बारे में? रैप के स्टाइल में ही बोलना पड़ेगा अगर इजाजत हो तो दादा। यस यस ऑलराइट। जे मेरा भाई पहन दा टक्का, तेरा परफॉर्मेंस देख के रह गया हक्का बक्का, फाइनल राउंड में तेरा स्पॉट है पक्का, क्योंकि लास्ट ओवर में तूने मारा छक्का। कमाल है प्रियंका, यू नो स्वैगर होता है, क्रिएट नहीं किया जाता, एंड आई गेस तुम्हें है, सो यू शुड यूज दैट कम्प्लीटली इन योर डांस, एंड यू डिड इट वेरी वेल टुडे। थैंक यू सो मच प्रियंका। अर्जुन, एज रणवीर बाबा सेड, आई एम हक्का बक्का। ग्रैंड मास्टर आई लव यू, योर माइंड ग्रैंड मास्टर जीना। Grandmaster, I apologize for what we have brought on this show. Please, I apologize for Ranveer. Don't please. इसको मैं ये पहली बार थोड़ी आ रहा है वो. Yeah. दादा ये actually हमारी तरफ से हम माफी मांगना चाहते हैं कि हम इस हमारी वजह से ही आया यहाँ. हम actually कहना चाहते हैं रणवीर टाइम मशीन के द्वारा गलत सदी में पैदा हुआ है. Unfortunately उसे 70 में ही पैदा होना चाहिए था. He would have been. आप ये गुंडे कर रहे होते साथ में, ये कन्फर्म लिख के ले. 100%. That's a good one. सभी ने सब कुछ कह दिया मनन, मेरी तरफ से क्या बात। Actually, ये ग्रैंड सलूट तुम्हारे लिए उधार, क्योंकि मालूम क्योंकि तुमने मुझे इज्जत दी, लोग ये ना सोचे कि इसीलिए शायद दादा ने ग्रैंड सलूट दिया है, बट आप डिजर्व कर तो, लेकिन मैं उधार रखा, ओके ये उधार नहीं तुम्हारे, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच मरन, प्लीज टेक योर सीट, जोरदार ताली हो जाए मरन के लिए।
टेलीविजन पर पहली बार आपको मिलेगा वोट करने के लिए फ्री टॉक टाइम। मिस कॉल देने पर आपको मिलेगा एक प्रोमो कोड और उस प्रोमो कोड को आप www.freecharge.com पर एंटर करें और आपको मिलेगा हमारे ग्रेटिफिकेशन पार्टनर www.freecharge.com की तरफ से फ्री टॉक टाइम। हमारे डांसिंग स्टार्स को वोट करने के लिए आप अपने मोबाइल पर हमारा ऑफिशियल DID ऐप भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन करें www.ztv.com/DID4 पर और वोट करें अपने फेवरेट डांसिंग स्टार्स को। तो आज के सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब बारी है जनता के फैसले की। और इस हफ्ते जिस डांसिंग स्टार को जनता ने दिए होंगे सबसे ज्यादा वोट वो बन जाएगा पैनासोनिक हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट ऑफ द वीक और उसको मिलेगा पैनासोनिक की तरफ से एक शानदार स्मार्टफोन। तो इस हफ्ते जनता ने जिसे दिए हैं सबसे ज्यादा वोट्स और बनाया है पैनासोनिक हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट वो है इट्स वंस अगेन श्याम यादव। कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम, आप हैं पैनासोनिक हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट और आपको मिलता है पैनासोनिक की तरफ से ये शानदार स्मार्टफोन। ज़ोरदार ताली हो जाए श्याम के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट। जाने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट वो ये है कि 5 है, अगर आप तीनों को मौका दिया जाए तो 5 में से आप किसे एलिमिनेट करना चाहेंगे? हमसे तो नहीं होगा ये डिसीजन, बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। आप बोलो। हम खुद एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से, चल। ओके कल्टी बाय। नहीं नहीं, आप नहीं चाहते कोई एलिमिनेट हो। प्रियंका नहीं, आप मतलब आप चाहते हैं कि नहीं एलिमिनेट ना हो? हमारा बस ना, इफ वी कैन इन्फ्लुएंस यू। तो जनता इन तीनों की तो इज्जत रखनी पड़ेगी, चलिए इन्हें और एक मौका दिया जाता है। इस बार नो एलिमिनेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्जुन, रणवीर एंड प्रियंका प्लीज मंच पर आ जाए। जोरदार ताला हो जाए इन तीनों के लिए। वेल, आप तीनों हमारे डांसिंग स्टार्स के लिए तो काफ़ी लकी हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे कोई गेस्ट आए हैं और यू नो नो एलिमिनेशन हुआ है। सो हमारी बात ही अलग है। आए हैं, क्या बात है। बट थैंक यू सो मच कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आए और आपने हमारे डांसिंग स्टार्स का इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। ज़ोरदार ताली हो जाए।